आगामी पुष्कर मेले को लेकर मंगलवार को होटल आरटीडीसी सरोवर में जिला कलेक्टर गौरव गोयल और संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुष्कर मेले को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए विभिन्न नवाचारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया गया। साथ ही बैठक में मौजूद गणमान्य नागरिकों और सरकारी महकमों के अधिकारी कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित किए गए। बैठक में मेले के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कराने वाली कंपनी ई फैक्टर के प्रतिनिधियों ने एलसीडी के माध्यम से पिछले मेले पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म को प्रस्तुत किया। बैठक में पहुंचे एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने खेल मैदान के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने सरोवर के घाटों पर चेंजिंग रूम बनाने, अस्थि विसर्जन के लिए अलग से घाट बनाने का सुझाव भी दिया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। कस्बे में पिछले कई सालों से बिगड़ी सीवरेज व्यवस्था पर जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और जगह जगह से बदहाल लाइन को समय रहते ठीक करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर गोयल ने पुष्कर मेले के समापन समारोह के नाम को बदलकर मेगा कल्चरल इवेंट करने, बीएसएफ के ब्रास बैंड के आयोजन का नवाचार करने, ख्यातनाम कलाकारों को पुष्कर मेले में लाने पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पीएचईडी के एएन का मुख्यालय पुष्कर में करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक नितिन दीप लग्गन, एसडीएम ओम प्रकाश विश्नोई, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र गांधी, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक सहित एडीए, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, नगर पालिका सहित विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारी और नगर के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। तीर्थराज पुष्कर का जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है 2016, उसकी ऐतिहासिक आज पहल हुई है। मेला जो हमारे मेला कई सदियों से भरता आ रहा है, लेकिन आज पहली बार मेले के 4-5 महीने पहले आज मीटिंग का आयोजन हुआ और निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत सुखद रहेंगे। आज हमने मेले के अलावा भी जो पुष्कर की मूलभूत सुविधा, चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे हमारे स्थानीय लोगों को पट्टा देने की समस्या हो, हमारे विभिन्न मुद्दों पर बात हुई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को और प्रशासन को। मुख्य रूप से इस बार नए अट्रैक्शंस के रूप में काइट फेस्टिवल की कोशिश की जा रही है और एक मैराथन, एक हिल ट्रैक और एक डेजर्ट सफारी और एक सफारी कैमल सफारी के साथ रोज़ गार्डन्स में सफारी, इस योगा डे, एक दिन योगा और नेचुरोपैथी का डिस्प्ले, इस तरह के कुछ काफ़ी नए आइटम्स और पुराने जो अनुभव रहे हैं और जिस प्रकार के कुछ इश्यूज रहे हैं उनको कैसे समाधान किया जाए, स्पेशली सफाई व्यवस्था को लेकर, और टूरिस्ट जो आए उनको हैसल फ्री मैनर में वो सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर पाएँ, इसके लिए बड़े बड़े म्यूज़िक के कल्चरल प्रोग्राम्स भी प्लान किए हैं और एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा जिससे सभी होटेलियर्स को और सभी जो टूरिस्ट गाइड्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं सब जुड़े रहेंगे, जिससे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो। चेयरमैन साहब ने कहा भाई कि इस ग्राउंड की मैं बाउंड्री में बना के दे रहा हूँ, तो उन्होंने एक मेरे से आग्रह किया था कि इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ राशि आप यहाँ दें एडी की तरफ से। तो मैंने सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पुष्कर के विकास को ध्यान में रखते हुए, तो पुष्कर में निश्चित रूप से एक ऐसा स्टेडियम बनना चाहिए, तो मैंने आज यहाँ 50 लाख रुपए की एडी की तरफ से घोषणा की है। और ये मैं तो कहता हूँ कि और दूसरे भी काम होंगे, लेकिन ये 50 लाख में बहुत अच्छा स्टेडियम बनकर तैयार होगा।